बेटा है मेरा एक माशाल्लाह ए लेवल्स कर रहा है इस टाइम, वो यूनिवर्सिटी में है, गया है। हाँ जी, अब बस छोटी सी फैमिली है हमारी। हाँ, सर इनके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई थी कि शादी के 7 महीने 7 मंथ्स के बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। इट्स रियली सैड। और ये एक बहुत खूबी की बात है कि इन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजारी अपने बेटे के लिए अकेली, और उसको बड़ा किया और उसको पढ़ाई कराई और आज ए लेवल्स तक पहुँचा दिया। मतलब रियली क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, अल्लाह ताला का बहुत करम है। कितनी लाइफ में ट्रेजिडीज़ होती हैं और बंदा कितनी अच्छी तरह से इतनी हिम्मत से उसको लेके चलता है, ये भी आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू हर। बहुत हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। आज आप क्या बना रही हैं मैडम? आज मैं चिकन हजूरे वाला बना रही हूँ। चिकन हजूरे वाला नाम थोड़ा सा उसका डिफरेंस है। मतलब जी, बस ये थोड़ा सा जो बड़ा क्रीमी टेक्सचर इसका होता है और बड़ा कह लें कि एक रिच इसका फ्लेवर होता है, इसलिए इसका नाम चिकन हजूरे वाला है। यहाँ रेस्टोरेंट्स में काफ़ी दूरे वाला हजूरे वाला हजूरे वाला जी, और यहाँ रेस्टोरेंट्स में बड़ी पॉपुलर डिश है ये, और थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है, तो मैंने कहा ये मैं फिर आज ये ट्राई करती हूं। तो आपने कहा खा के पेट की या सीखा? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट गई थी और मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा इसका कि किस तरह इसका फ्लेवर और टेस्ट, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सर्च भी किया और थोड़ा सा अपनी भी वो वेरिएशन के साथ। तो फिर मैंने जी इसी तरह सीखता ट्राई करके हम जी जी बना लेते हैं जी। तो फिर ये मेरी मतलब एक है, आप समझ लें, खूबी समझ लें या शौक, जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो इस तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। चीज़ें कैसी रखती हैं? फायका की चीज़ है तो बहुत अच्छी है। फायका इसकी खाने की कुकिंग तो बहुत अच्छी है, सारे फैमिली वाले सारे इसकी कुकिंग को पसंद करते हैं। आपको शौक है कुकिंग का? हाँ जी। नहीं, मुझे तो शौक नहीं है। तो आपको जब शौक नहीं था तो आप अपनी शादी के बाद क्या करती थी? मैं शादी के बाद भी वही करती थी जो मैं पहले करती थी। शादी से पहले तो मैं पढ़ाई करती थी और मैं सोती हूँ, सुबह 11 बजे उठती हूँ। आज तक मैंने ना कभी अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया। ससुराल इतना अच्छा था। मैं उस वक्त कौन खाना पकाता था? जी मैं ओवरसीज में ज्यादा रही हूँ अकेली अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद, तो वो बस मेरे हस्बैंड खुद ही कर लेते थे, उन्हें पता था। और मैट्रिक के बाद से मैंने बहुत जल्दी मैट्रिक के बाद से मैंने अच्छा, इसलिए मुझे ज़्यादा शौक हो गया कि मैंने संभाल लिया, क्योंकि अम्मी को शौक नहीं था। और अब भी अगर मैं कुछ ये बना दूँ खाना तो मुझे सर्व भी करना होता, मैं कहती हूँ सर भी फायका ही करे, या फिर सिस्टर मेरी करती है ये बहुत ज़्यादा इसकी तरह अच्छी कुकिंग करती है और मैनेज भी कर लेती है जितने मर्जी गेस्ट आ जाए। आपको आपकी अपनी क्या स्पेशलिटी है? मेरी अपनी तो कोई नहीं, मुझे पहले खाना नहीं बनाना बिल्कुल नहीं आता था शादी से पहले। शादी के बाद मेरी नन थी मेरे पास, फिर उन्होंने खाना वगैरह बनाया, लेकिन उनकी शादी के बाद इन्होंने खुद ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू किया, तो माशाल्लाह। अब इस वक्त अगर लोग आपके घर आते हैं तो क्या फरमाइश करते हैं कि आपको क्या आप अगर उन्होंने जो भी फरमाइश करनी है वो मैं उनकी पूरी कर देती हूँ। अगर वो मतलब स्पेशल कोई कहता है कि आलू गोश्त बहुत पसंद है, हाँ जी आलू गोश्त, या कोफ्ते वगैरह बहुत पसंद है, या बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो फिर मैं उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। बस ऐसे ही है बस। आपको हरीसा बनाना आता है? मैंने आपके लिए आज हरीसा बनाया हुआ है। हाँ जी, मैंने आज पालक वाला जी, मैंने नहीं पालक वाला नहीं, मैंने आपके लिए मटन हरीसा जो कबाब वाला होता है वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। अच्छा, पालक भी तो डलती है ना? पालक तो नहीं, मैं जो इस रेसिपी से बनाती हूँ जो एग्जैक्ट रेसिपी पालक, उसमें पालक नहीं डलती है। और जो मतलब जो गंदम और जो गोश्त का तनासब ज्यादा होता है और बाकी गंदम और कबाब उसमें छोटे डलते हैं, तो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है आज आपको टेस्ट करवाऊंगी। इतनी आप लोग तकलीफ करते हैं, हमें इतनी इज्जत देते हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा पन है। चलें आप थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आती हूँ, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और आपकी क्या मसरूफियात है कुकिंग नहीं है तो? मेरी मसरूफियात बस घर के छोटे मोटे काम, बहू है ना जो घर में काम कर लिया, कोई ला दी एक सब्जी ला दी कुछ ला दिया, वैसे बस कोई मुझे इतना रीडिंग का भी शौक नहीं है। आप भी इधर रहती हैं? जी अच्छा, इधर ही इसी घर में रहती हैं। हाय कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह।